वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से बिक रहे तोता बरामद किया है, जिसके संबंध में प्रभारी वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम शहर में गश्त कर रही थी, तभी टीम ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर पहुंची, जहां कुछ लोग पिंजरे में रखकर तोता बेच रहे थे, जिसकी बिक्री वन्य अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। जांच करने पहुंची टीम को देखकर वह लोग तोता छोड़कर भाग गए। उन सभी तोतों को पिंजरे सहित जब्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया। वन विभाग टीम ने कुछ तोतों को बरामद किया, क्या आज दोपहर अराउंड 11 बजे के अराउंड फॉरेस्ट मुख्यालय की टीम गश्त कर रही थी, जिसका नेतृत्व महेंद्र कुमार फॉरेस्ट गार्ड कर रहे थे। उनके द्वारा ये देखा गया कि ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर सब्जी मंडी के पास कुछ लोग अवैध पैराकिट्स बेच रहे थे, जो कि शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इसके बाद तुरंत उसने कार्रवाई की। मौके पर दो लोग साइकिल से ये बेच रहे थे पैराकीट, साइकिल चालक वहाँ से भाग गए और जो तोता पैराकीट्स और जो बर्ड्स थी उनको बरामदगी कर ली गई है। अब इस पर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियान कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये अभियान इसको करना उचित नहीं होगा। ये प्रोसेस है जो कंटिन्यूस रहेगा। जब भी ये वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, उसको ये नॉर्मल मानते हैं, हम और आप बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग, उनको नहीं पता कि ये अपराध है। तो जब तक एक जनमानस में ये बात नहीं बैठ जाती है कि यह एक अपराध है, चाहे कछुआ लेना, पैराकीट्स लेना, ये प्रतिबंधित है और इसकी कड़ी सज़ा हो सकती है, ये एक बार जनमानस में बैठ जाए, हमारा काम सफल हो जाएगा। तब तक ये चलता रहेगा।